कैसे हैं आप लोग? हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। सो ये लुक मैंने हड़ताल का तीज लुक पे क्रिएट किया है, बहुत ही प्यारा लुक टर्न आउट होके आया है और बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैप्पी तीज टू ऑल माई ब्यूटिफुल लवली लेडीज। थैंक यू। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज, और मॉइस्चराइजर के लिए मैं अगेन पपाया का गुड वाइब्स का ये जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छे से फेस जो है वो मॉइस्चराइज हो जाता है और अच्छा सा ग्लो भी आता है। थोड़ी सी हल्की सी शीन आपको फेस पे दिखती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैंने अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का रियल बेस प्राइमर लिया है इन द शेड पिंक, और ये मैंने यूज़ किया है, आई थिंक सेकेंड टाइम मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये थोड़ा सा हल्की सी शीन भी देता है क्योंकि इस तरीके की लुक्स में थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा चमकना चाहिए, तो हल्की से थोड़ी सी शीन भी आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन लिया है, मस्त वाला फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है। बहुत ही थोड़ा सा लगाने की ज़रूरत है, बहुत ओवर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनफ आपको कवरेज मिल जाती है। एक पंप में ही बहुत अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। ये आपको बहुत और थोड़ा बिल्ड करना है तो अब एक बार और लगा सकते हो, बट एक बार में इनफ कवरेज मिल जाती है। मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने अच्छे से डॉट डॉट करके लगा लिया, फिर एक फाउंडेशन ब्रश के अच्छे से ब्लैक आइस को, अंडर आइस को और आईलिड्स को अच्छे से कंसील किया है, कंसीलर को अप्लाई किया है थोड़ा थोड़ा सा करके, और नोज़ के कॉर्नर पे भी मैंने किया है थोड़ा सा कंसील, और फिर मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारा जो फेस में थोड़ी सी भी अगर कहीं डार्कनेस हो तो वो थोड़ी सी कंसील आउट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने ये फाउंडेशन ब्रश लिया था, इसी से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकती हूँ, बट मुझे फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कवरेज ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने ये ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है। और फिर उसके बाद मैं ये लूज पाउडर ले रही हूँ क्योंकि ये डे टाइम में ही मोस्टली दर्शन करने के लिए बाहर जाते हैं या फिर पूजा होती है, शाम के समय भी रेडी होते हैं, बट क्या होता है कि ज़्यादा स्वेटी हमारा फेस ना हो, इसके लिए अगर आप लूज पाउडर इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, तो इसलिए मैंने लूज पाउडर इस्तेमाल किया था। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस को सेट कर लिया, और आईलिड्स पे मैंने एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था स्विस ब्यूटी के इसी पैलेट से, वो क्लिप मिस हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट एक लाइट सा शेड लिया था और ट्रांजिशन कलर दिया था। फिर एक फ्लैट ब्रश में एक ग्रीन शेड लेकर के मैंने धीरे धीरे अप्लाई किया है ताकि जो मुझे जो अमाउंट चाहिए था ना, जितना कलर मेरे आईज पे मुझे आईलिड्स पे चाहिए था उतना कलर मैंने डिपॉजिट किया है। एक छोटा सा मैं टिप देना चाहूँगी, अगर आपका कलर जो है अच्छे से पॉप आउट होके नहीं आता है तो आप अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लो और फिर उसके बाद कलर लगाओ तो और अच्छे से पॉप आउट होके निकल के आएगा। और फिर मैंने ये मार्स का एक पैलेट लिया था, उसमें से थोड़ा सा मॉवी सा शेड लेकर के आउटर व्यू पे फोकस किया था, उसी को वापस क्रीज पे भी ब्लेंड कर लिया ताकि थोड़ा सा यू नो अच्छा सा लुक निकल के आए, तो आईज लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आईब्रोज को सेट कर ले रही हूँ, ब्राउन कलर के पोमेड दिया था मैंने, उससे अच्छी तरीके से मैंने आईब्रोज को सेट कर लिया है। आईब्रोज से लुक बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है, तो अभी तो मैंने आईब्रोज अच्छे से ग्रूम करवा लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे यही ब्लैक कलर का जेल लाइनर लिया है और फिर मैंने उससे एक लाइनर ड्रॉ किया, छोटी सी विंग भी निकाली थी, बट मुझे ऐसा लगा कि लाइनर ड्रॉ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं लैशेस लगाने वाली थी। अगर आप लैशेस लगा रहे हो तो ऐसा सच आपको ये लाइनर ड्रॉ करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप नहीं लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लाइनर तो ड्रॉ करोगे और आपको पसंद है तो ज़रूर करोगे। सो यहाँ मैंने अंडर आइज़ को एक बार वापस से कंसील किया है क्योंकि कलर लगाने पे थोड़ा बहुत फॉल आउट हुआ था, उसको डस्ट ऑफ करने के बाद मैंने वापस से कंसीलर लगाया और अच्छा ब्लेंड कर लिया। जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया था वही सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ग्रीन वाला शेड हमने इस्तेमाल किया था अपने आईलिड्स पे, उसी को मैंने थोड़ा सा और लिया है ब्रश में वही फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और अच्छे से लोअर लैश लाइन में स्मच कर लिया है ताकि एक जैसी हमारी आईज लगे। और उसके बाद सेम जो जेल लाइनर था जो ब्लैक कलर का, उसी को मैंने एज अ काजल भी अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं NYV की ये स्टिक ले रही हूँ जो कि कंसीलर स्टिक है इन द शेड टॉफी, और ये वाला जो कलर है शेड जो है वो आप एज अ कॉन्टोर इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से
से ब्लेंड हो जाता है, सो बहुत मुझे पसंद है ये वाला स्टिक। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, कॉन्टोर के लिए भी शेड्स हैं, कंसीलर शेड्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। और फिर मैं यहाँ पे जो है ब्रॉन्जर के लिए मेबलिन का ये वाला कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क सा शेड है, ये भी टॉफी शेड है और ये बहुत ही अच्छा शेड होगा अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो ना, या मेरे स्किन टोन के हो, तो ये आपके लिए एज अ ब्रॉन्जर बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो आप इसको ले सकते हो एज अ ब्रॉन्जर। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है मेबलिन की और इसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और डॉट डॉट करके लगा लिया था और फिर फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। इसके ऊपर मैंने पाउडर ब्लश भी अप्लाई किया था, उसको ब्लेंड किया था ताकि वो काफ़ी टाइम तक टिका रहे मेरा जो ब्लश है। और उसके बाद हाइलाइटर इस्तेमाल किया था, मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। मैंने फ़ैन ब्रश की हेल्प से ब्राउ बोन को भी अच्छे से हाईलाइट किया। ऐसा करने से आपकी आँखें जो है वो ज़्यादा ग्रूम्ड अप लगती हैं। इनर कॉर्नर्स को भी अच्छे से मैंने हाईलाइट कर लिया, सो यहाँ पे लुक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी और मज़ेदार सा लुक हमारा रेडी है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ईस्टर टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल लेडीज़। थैंक यू, बाय।